माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, आप जो वन वर्ड की जो वीडियो उनको काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देते हो, तो मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर में जो आपके वन वर्ड आए हैं, जो एग्जाम में आपके अधिकतर जो पूछे जाते हैं बार बार, तो इस तरीके से आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। और स्टूडेंट, मैंने आपका एंटोनियम और सोनिम्स का जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपका चलता ही रहेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपके इतने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का फर्स्ट वन वर्ड स्टूडेंट, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन। इसका मीन्स होता है स्टूडेंट कि कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है, कोई भी इन्फेक्शन यानी उसको कोई भी बीमारी हो गई स्टूडेंट, तो उसको क्या है, अदर पर्सन से कुछ दिनों के लिए दूर रखा जाता है। उसको बोला जाता है आपका क्वारंटाइन, ठीक है। यानी संक्रमण से बचने के लिए व्यक्ति को क्या है, अलग कर देते हैं। और ये तो आप रोज़ाना न्यूज़पेपर में कहीं भी आप सुन ही रहे हैं कि क्वारंटीन किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है। क्योंकि इस टाइम जो पूरा देश है, देश के हम के पूरा जो वर्ल्ड है आपका कोविड-19 से लड़ रहा है इस टाइम, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आपका क्वारंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका स्टूडेंट, वन हु प्लेस सिंग्स पेन पिक्चर्स इट्स नॉट फॉर मनी बट द लव ऑफ इट। यानी कोई भी व्यक्ति है स्टूडेंट, वो क्या है, मतलब उसको गाने गाने का शौक है, पेंटिंग बनाने का शौक है, कोई भी पिक्चर बनाता है, मतलब कोई भी गेम खेलता है, लेकिन वो क्या है, वो जो काम कर रहा है केवल अपने शौक के लिए करता है, उसे वो काम करने में अच्छा लगता है, वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको स्टूडेंट आपका एमेच्योर बोलते हैं, यानी उसको शौकिया बोलते हैं, उसको नॉविस बोलते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका द लेटर्स यूज इन राइटिंग ए लैंग्वेज, ठीक है। मतलब जो लेटर्स होते हैं स्टूडेंट, जो आपके वर्ड होते हैं उनकी क्या करते हैं, जो हम कोई भी लैंग्वेज जो बनाते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, आपके अक्षर होते हैं, एक एक वर्ड को लेते हैं, तो उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं, यानी उसको हम स्टूडेंट आपका वर्डमाला बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कोई भी साल का एक ऐसा दिन है स्टूडेंट जो क्या है, एक इवेंट यानी कि हम बात करें किसी भी एक विशेष दिन की क्या होता है, वो लौट के आता है हमारी लाइफ में, तो उसको स्टूडेंट हम आपका एनिवर्सरी बोलते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी जयंती बोलते हैं, या उसको हम कोई भी बार्स को सब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सटेंस लाइक अदर आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एक पदार्थ होता है स्टूडेंट, जब डॉक्टर वगैरह किसी का भी मतलब इसको निश्चय तक बोलते हैं, यानी अभी आपका मतलब ऑपरेशन कर रहे होते हैं या आपका कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं आपकी, ठीक है, तो उसको वो दवा दी जाती है, इसको हम एनेसिया बोलते हैं, एनेस्टिक बोलते हैं, इसको हम बेहोश करने वाली एक दवा होती है स्टूडेंट्स आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आप ए टी वी एरियल, यानी कि जो टी वी का जो एंटीना है उसको हम स्टूडेंट दूरदर्शन बोलते हैं, या हम उसको एंटीना बोलें। जब आप छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि मतलब आपसे आज से कम 10-15 साल पहले तो क्या होता था, छत पर भागना पड़ता था एंटीना को बार बार हिलाने के लिए, तो उसे हम एंटीना बोलते थे। आजकल ऐसा नहीं है, आज तो सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी के द्वारा बदल चुका है, ठीक है, उसको हम एंटीना बोलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका स्पेक्टल्स टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द सन डस्ट माइंड, मतलब आपका क्या होता है स्टूडेंट, उसको हम गूगल्स बोलते हैं, ठीक है, गूगल्स, उसको धूप का चश्मा होता है जो हम लगाते हैं, कोई भी आँख हमें हमारी धूल मिट्टी या सूरज की रोशनी ना चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट ए फीमेल ऑफ आपकी जो गेंडर, ठीक है, जो हंस होता है स्टूडेंट, जो उसकी जो फीमेल होती है उसको हम गोस बोलते हैं, यानी उसको हम कल हंसनी बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका। नेक्स्ट ए पर्सन हु आपका गवर्नेंस स्टेट और आपका प्रोविनेंस, मतलब कोई भी व्यक्ति है क्या है, वो स्टूडेंट आपका गवर्नेंस यानी वो राज करता है किसी भी स्टेट में, या हम कहें प्रोविंसी, जो आपके प्रोविंस होते हैं उनमें जो राज चलाता है उसको हम आपका गवर्नर बोलते हैं, यानी उसको हम आपका राज्यपाल बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका ए पर्सन होल्ड ए यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी कोई भी व्यक्ति है, मतलब बोलते हैं ना आप डिग्री होल्डर हो, तो आपने क्या कर रखा है, यूनिवर्सिटी से अगर आप कोई भी डिग्री लेके होते हैं तो स्टूडेंट हम ग्रेजुएट बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रेजुएट बोलते हैं, ठीक है, स्नातक बोलते हैं इसमें हिंदी में आपका। ए पर्सन हु आपका गार्ड्स, यानी कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पालता है पोसता है, तो उसको स्टूडेंट आपका हम गार्जियन बोलते हैं, यानी उसको हम संरक्षक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आपके ए पर्सन हु इज नॉट ए रेगुलर आर्मी इंगेज इन फाइटिंग इन स्मॉल सीक्रेट ग्रुप, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ये हम क्या होता है स्टूडेंट, वो रेगुलर आर्मी में है फाइटिंग करता है, लेकिन क्या करता है, एक
छोटे छोटे समूह में क्या है, ग्रुप में वो लड़ाई करता है, ठीक है। तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, उसको गौरिल्ला बोलते हैं, ठीक है। छापामार जो सैनिक होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि आपकी हिस्ट्री में छत्रपति जो शिवाजी थे मराठा साम्राज्य के महाराजा, तो उन्होंने ये वो युद्ध किया करते थे गौरिल्ला, मतलब सामने से दुश्मन आ रहे हैं और मतलब झुंड में कूद पड़ते थे चारों टाइप से, मतलब चारों ओर से, और उस दुश्मन को क्या वो मार देते थे, उसको हरा देते, ठीक है। तो ये गौरिल्ला युद्ध उस टाइम में आपका मतलब कहें कि इन्वेंशन किया गया, खोजा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में, ठीक है। नेक्स्ट आपका द पार्ट ऑफ द ओशन और सी ऑलमोस्ट आपका सराउंडेड बाय लैंड। क्या होता है स्टूडेंट, समुद्र में एक हम बात करें एक खाड़ी सी होती है, इसको हम गोल्फ बोलते हैं। वो क्या होता है, चारों ओर मतलब समुद्र के बीचों बीच में एक लैंड होता है, धरती होती है स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है, मिट्टी वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन पहाड़ की तरह होता है, इधर पहाड़ी, लेकिन बीच में आपको पानी बहता रहता है समुद्र, तो उसको हम गुल्फ बोलते हैं या उसको हम आपका खाड़ी बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हिंदू स्पिरिचुअल टीचर। जो आपके जो हिंदू होते हैं स्टूडेंट हमारे, तो उनका जो टीचर होता है, जो धार्मिक गुरु होता है, उसको हम आपका गुरु बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ए टूल विद ए हैवी मेटल हेड, मतलब जो उसको हम हैमर बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम हथौड़ा बोलते हैं, यानी कि एक मेटल यानी धातु, आपका जो आयरन होता है वही ठोस होता है वैसे तो अधिकतर, तो उसका जो मतलब उसका जो मेटल है, उसका जो हेड है वो काफ़ी मतलब हैवी बनाया जाता है, तो उसको हम हैमर बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो तोड़ने के काम में आते हैं, इससे हम छेनी हथौड़ा भी बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एन एक्विपमेंट ऑफ ए हॉर्स, ठीक है। तो जो घोड़े का जो सामान होता है स्टूडेंट, उसको हम आपका हॉर्नेश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ए स्पेयर ऑन ए रोप फॉर कैचिंग व्हेल एंड अदर लॉन्गर फिश, मतलब जो एक मछली को पकड़ने के उपकरण होता है, जिसको हम स्टूडेंट आपका हार्पून बोलते हैं। ये क्या होता है, एक बाला होता है, बर्छी सा होता है, इसको मछली के ऊपर फेंक देते हैं और मछली क्या है, उस कांटे की तरह उसमें फंस जाती है और उसको मछली को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो वन वर्ड है वो आपका हार्पून है। नेक्स्ट स्टूडेंट एन अडल्ट मेट सॉरी एन अडल्ट मेल ऑफ डियर, जो जवान हिरन होता है उसको स्टूडेंट हम हांड बोलते हैं, उसको हम हिरण बोलते हैं, ठीक है। जो अडल्ट होता है डियर मीन्स भी आपका हिरण ही होता है। नेक्स्ट आपका ए स्क्वेयर पीस ऑफ कॉटन सिल्क इट इज फॉर वीपिंग हैंड्स एंड स्मूथ, ये जो कॉटन वगैरह होता है उस जो सिल्क होती है स्टूडेंट, जो रेशम होता है उसका जो हाथ पहुँचते हैं या मुँह वगैरह हम जो पहुँचते हैं उसको स्टूडेंट हम हैंड कर्चिप बोलते हैं, यानी उसको हम आपका रूमाल बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट लाइबल टू कैच फायर इजली, यानी कि कोई भी जो पदार्थ है मतलब वो क्या है, बहुत जल्दी से आग पकड़ ले स्टूडेंट, उनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील। ये तो आपने देखा होगा कई बार के जो रिफाइनरी वगैरह से ट्रक वगैरह होते हैं, इनमें गैस वगैरह जाती है या लिक्विड होता है, तो उनके पीछे लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ज्वलनशील जो होते हैं। नेक्स्ट है द एनिमल ऑफ सर्टेन रीजन, यानी कि एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, मतलब एक विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, उनको स्टूडेंट हम आपका फौना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लांट फॉर ए पार्टिकुलर रीजन, यानी एक विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे सादा बार बने या हम कह पर्णपाती बने, वो क्या एक स्पेशल पेड़ हैं कुछ, वो स्पेशल एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक रीजन में पाए जाते हैं, तो उनको स्टूडेंट हम आपका फ्लेरा बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका प्लेस गिवन बाई ए प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलाइज नॉट टू एस्केप, यानी कि अगर कोई भी क्रिमिनल है स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, या कैदी है, तो उसको हम टेम्परेरी क्या है, उसको रिलीज कर देते हैं उस टाइम के लिए, तो उसको हम पेरोल बोलते हैं, यानी उसको पूरी तरह से फ्री नहीं किया जाता है, लेकिन उसको कुछ दिन की छुट्टी दे दी जाती है, तो उसको हम स्टूडेंट आपका पेरोल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट oneself, मतलब खुद की जो प्रशंसा करते रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वप्रशंसा, उसको बोलते हैं हम आपका इगोइस्ट, यानी खुद की प्रशंसा जो करता रहता है, मतलब खुद के बारे में मतलब डींगे आंकते रहता है कि मैं ऐसा मैं ये किया, मैंने वो किया, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, उनको बोला जाता है आपका इगोइस्ट। नेक्स्ट ए गेम दैट रेयर नाइदर इन विक्टरी नॉर इन डिफीट, यानी कि गेम होता है स्टूडेंट, उसमें ना तो कोई टीम हारती है ना कोई जीतती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम आपका ड्रॉ बोलते हैं, यानी बिना हार जीत का गेम जो होता है उसको। नेक्स्ट है ए रिलीजन वार, जो जैसे आपने पढ़ा होगा SST में, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट, कैथोलिक धर्म थे, बहुत सारे धर्म थे या यहूदी थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपका
क्रूसेड बोलते हैं, यानी उसे धर्म युद्ध बोलते हैं। क्या है जो रिलीजियस थे जैसे यहूदी है या पॉप में, मतलब बहुत टाइम पहले जो क्रांतियाँ वगैरह हुई थी रूस या फ्रॉम आपके फ्रांस वगैरह में, तो वहाँ क्या है धर्म के पीछे धर्म युद्ध हुए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका आपका क्रूसेड। नेक्स्ट ई बुक दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि एक ही बुक के स्टूडेंट क्या है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया, यानी विश्वकोश का जो ज्ञान होता है इस बुक में। आप जैसे हम जैसे विकिपीडिया यूज़ करते हैं आपका गूगल पे, तो गूगल पे क्या कुछ भी डालते हैं तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो विकिपीडिया से हमको बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसी एक बुक होती है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है वन हु इज डेवोटेड टू प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है वो क्या स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा मतलब हम कहें उसको खुशी मिलती है किससे, खाने से और ड्रिंकिंग वगैरह करने से, उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है आपका एपिक्योर, यानी उसको हम भोगवादी कहते हैं, उसको सांसारिक जो मोहमाया होता है उसमें उसको बड़ा मन लगता है उसको जैसे खाने में पीने में भोग विलास में, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है आपका एपिक्योर, यानी उसको हम आपका भोगवादी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका वन हु टीच डांस, यानी कोई व्यक्ति है वो डांस सिखाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम आपका, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट आपका कैरियोग्राफर, यानी नृत्य प्रशिक्षक हो जाता है जो टीचर होता है मतलब डांस का, उसको बोला जाता है आपका कैरियोग्राफर। नेक्स्ट है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वूमेन, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो महिलाओं के लिए काम करता है, जो महिलाओं की जो स्थिति है हमारी सोसाइटी में उसको सुधारने का काम करता है, दहेज प्रथा उसको बंद कराने के लिए या घूंघट प्रथा उसको बंद कराने के लिए कुछ लोग हैं लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, तो उनके लड़कियों के मतलब हित में या स्त्रियों के हित में जो काम करता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट आपका हम फेमिनिस्ट, यानी स्त्री उद्धारक जो होते हैं। नेक्स्ट है वन हु कट्स प्रेसियस स्टोन, यानी कि जो महंगी जो पत्थर होते हैं स्टूडेंट, जैसे आपका हम कहें नीलम है, हीरा भी एक तरीके से हीरा है, और भी कई सारे आपके संगमरमर मतलब जो प्रेसियस यानी महंगे जो स्टोन्स होते हैं पत्थर वगैरह जो होते हैं मतलब जो खनिज बोलते हैं उनको, तो उनको जो तराशता है उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका लैपिडेस्ट, यानी संग्रह है, ठीक। नेक्स्ट है वन हु ड्रॉ मैप्स, यानी कोई व्यक्ति है क्या स्टूडेंट वो आपके जो मैप होते हैं उनको नक्शा है उनको खींचता है, तो उसको बोलते हैं आपका कार्टोग्राफर, यानी नक्शा बनाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है आपका कार्टोग्राफर। नेक्स्ट है वन हु सुपीरियर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि जो बच्चे पेपर दे रहे होते हैं तो उसको क्या होता है स्टूडेंट उसमें जो जिस टीचर की ड्यूटी होती है वो आपका क्या होता है इन्विगेशन होता है आपका इन्विगेटर, यानी कि वो आपका क्या है निरीक्षक होता है, वो देखता है कहीं कोई बच्चा चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा, सब कुछ काम अच्छा पेपर वगैरह हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसका काम होता है वो जैसे इन्विगेटर होता है जो पूछताछ करता है ऐसे उसी से बना आपका ये इन्विगेशन, ठीक। नेक्स्ट है वन हु गोज ऑन, कोई भी व्यक्ति है वो अपने पैरों पर चलता है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका पेडेस्ट्रियन, यानी कि पदयात्री बोलते हैं उसको हम आपका पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रीजन और गवर्नमेंट, यानी कि जो तो सरकार है हम कहें या दो राज्य हैं उनके बीच में क्या है स्टूडेंट उनके बीच में क्या है कोई इंटरवल हो गया, मतलब कोई भी शासक नहीं है, मान लीजिए कि मतलब चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव से पहले जो बीच का जो टाइम होता है इंटरवल होता है उसको बोला जाता है आपका इंटरवल से लिया गया आपका एंट्रीगोनम, यानी उसको कहते हैं राज रहित काल, यानी उस समय कोई भी राजा है या हम कहें कोई भी शासन नहीं हो रहा होता उसको बोला जाता है आपका एंट्रीगम, ठीक। नेक्स्ट है पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कोई व्यक्ति है स्टूडेंट उसका क्या है बहुत सुंदर राइटिंग है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है आपका कैलीग्राफिस्ट, कैलीग्राफिस्ट यानी जो सुंदर व्यक्ति लिखता है उसका राइटिंग बहुत अच्छी होती है, आपने देखा हो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका राइटिंग बहुत अच्छा होता है तो उनको बोला जाता है स्टूडेंट आपका कैलीग्राफिस्ट। नेक्स्ट आपकी पर्सन हु हैविंग सेम नेम एज अनदर, यानी कोई व्यक्ति है स्टूडेंट उसके सेम मतलब मान लीजिए कि मेरा नाम जैसे सुरेंद्र है और किसी का नाम सुरेंद्र है तो उनको क्या सेम नेम है तो उसको बोला जाता है स्टूडेंट आपका नेम चेक, यानी उसको हम बोलते हैं नाम राशि, ठीक। नेक्स्ट आपका होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रिमेल्युएशन, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति है स्टूडेंट वो काम करता है मतलब कैसे काम करता है मतलब अवैतनिक होता है उसको बोलते हैं ऑनरी, यानी वो सम्मान के लिए काम करता है ना कि किसी पैसे या इनकम के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की क्लास को रखते हैं स्टूडेंट यहीं पर, अगर आपको क्लास अच्छी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.